दहेज की प्रताड़ना से तंग आकर नवविवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ शव को भेजा पोस्टमार्टम हाउस। कानपुर देहात तहसील सिकंदरा क्षेत्र के गांव कसौलर में 7 माह की गर्भवती महिला पिंकी ने आंगन में लगे जाल में दुपट्टे से फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने ससुराली जनों पर हत्या का मुकदमा लिख आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ससुराली जनों की दहेज प्रताड़ना से तंग आकर 7 माह की गर्भवती महिला ने घर के आंगन में दुपट्टे से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना पर पहुंचे मायके पक्ष वालों ने जमकर हंगामा काटा। पुलिस के शांत कराने पर परिजनों द्वारा ससुराली जनों पर दहेज की प्रताड़ना को लेकर हत्या कराने की शिकायती प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने ससुराली जनों पर हत्या का मुकदमा लिख तलाश शुरू कर दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तहसील सिकंदरा क्षेत्र के गांव कसौलर में उस समय सनसनी फैल गई जब गांव के रहने वाले विशाल राठौर की 7 माह की गर्भवती पत्नी पिंकी ने आंगन में लगे जाल से दुपट्टे से फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। विशाल और पिंकी की शादी 1 वर्ष पूर्व हुई थी। सूचना पर पहुंचे पिंकी के पिता राजकुमार के साथ पहुंचे ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। सूचना मिलने के बाद पहुंची मंगलपुर पुलिस ने जैसे तैसे मायके पक्ष को शांत कराया तो मायके पक्ष वालों ने बताया कि जब से उनकी बेटी की शादी विशाल राठौर से हुई है तब से विशाल व उसके परिजन बेटी को शादी में कम दहेज देने को लेकर आए दिन प्रताड़ित करते रहते थे, जहां तक कि उसके साथ मारपीट भी करते रहते थे। पिता ने बताया कि उनकी बेटी पिंकी 7 माह की गर्भवती थी। बेटी जब भी घर जाती थी तो अपने साथ प्रताड़ना की कहानी घर पर बताती थी। पिता ने बताया कि दहेज के लालची ससुराली जनों ने उनकी बेटी की हत्या कर शव को फंदे से टांग दिया और मौके से सभी लोग फरार हो गए। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं इन लोगों को फैसला नहीं, इन लोगों जो इन लोगों ने किया है इन लोगों को न्याय मिले, बस हमारी बहन को न्याय मिले। कोई चोट के निशान वगैरह हैं? हाँ, उसके पूरे शरीर में काला पड़ा है, पूरे शरीर में उसको ऐसे मारा है, पूरे शरीर उसका काली पड़ा हुआ है। इसके पति का क्या नाम है? विशाल उर्फ कल्लू। अच्छा, आप कौन गाँव के रहने वाले हैं? हम मेरे शादी तो यहाँ रतनियापुर में हुई है। अरे, लड़की का मायका कहाँ है? मायका कानपुर में। नमस्ता। मथुरा का प्रतिष्ठित आरके ज्वेलर्स, एक ऐसा नाम जहां मिलती है आपको शुद्धता की 100% गारंटी और मिलता है आभूषणों के खरा होने का विश्वास। साथ ही सोने चांदी और हीरे जवाहरात से बने सैकड़ों डिजाइन के आभूषण जैसे लौंग हार, माथा पट्टी, झूमर, बोलना, ब्राइडल सेट्स, रजवाड़ा सेट और भी बहुत कुछ। लगातार 35 सालों से आपकी सेवा में है तत्पर आर के ज्वेलर्स, छत्ता बाजार, होलीगेट, मथुरा। इनका नंबर है 7669181040।